good morning everyone welcome to this video in this video today we started our chapter with an activity student look at this picture the boy is flying a kite okay now what help a kite to fly आपको ये बॉय दिख रहा है जो कि काइट को फ्लाई कर रहा है काइट को फ्लाई करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है स्टूडेंट्स हमें काइट को फ्लाई करने के लिए एयर की जरूरत होती है ओके एंड द नेक्स्ट पिक्चर द बर्ड आर फ्लाइंग बर्ड भी फ्लाई करिए स्काई में बर्ड को फ्लाई करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है सिंपली एयर ठीक है आप देखिए यहाँ पे प्लेन प्लेन भी फ्लाई हो रहा है हुप प्लेन टू फ्लाई इट्स एयर बोट हुल बोट को सेल करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है एयर सो नाउ स्टूडेंट्स अवर चैप्टर इज एयर एवरीवेयर जो कि हर जगह है इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट एयर

थ्रू वी कैन नॉट सी और टच द एयर हम एयर को टच नहीं कर सकते हैं हम एयर को देख नहीं सकते हैं बट वी फील इट लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं ओके पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लीव प्यूपल्स को एनिमल्स और प्लांट्स को एयर की जरूरत होती है लीव के लिए जीने के लिए ठीक है देर कैन बी नो लाइफ विद आउट ए बिना हवा के कोई भी लाइफ नहीं है स्टूडेंट्स अगर हम हम एक प्लांट को लेते हैं जैसे हमने एक प्लांट को आ, प्लांट को हमने क्या करा उसके ऊपर ग्लास रख दिया हमने एक गमले में प्लांट लगाया और उसको बंद कमरे में रख दिया ठीक है जहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं आती है ठीक है और दूसरा हमने पॉट लिया दूसरा प्लांट का पॉट लिया उसको हमने बाहर खुली हवा में रख दिया तो कुछ दिनों बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे कुछ दिनों बाद जो प्लांट हमने घर के अंदर लिया है घर के अंदर जो हमने रखा है वो क्या हो जाएगा बच्चा वो सूख जाएगा क्योंकि उसको हवा नहीं ठीक है लेकिन जो प्लांट हमने बाहर रखा है घर से बाहर रखा है वो प्लांट बहुत ही हरा भरा रहेगा क्योंकि वो घर से बाहर है और उसको एयर मिल रही है दैट्स दैट शो दैट यू की एयर एयर प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए ही नहीं एयर एनिमल्स ह्यूमंस पीपल्स सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती है So now, अब हम देखते हैं वट डज एयर कंटेन एयर में क्या क्या होता है वेयर डज द वॉटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स गो वेन यू हैंग दम आउट इन द सन स्टूडेंट्स जब हम कपड़ों को गीले कपड़ों को बाहर डालते हैं सुखाने के लिए तो उनका पानी कहाँ चल जाता है ठीक है कहाँ चला जाता है सॉरी <coughs> हम देखते हैं कि हमने मॉर्निंग में कपड़े गीले सुखाए गीले डाले और शाम तक वो क्या होते हैं इवनिंग टाइम तक दे ड्राई वो सूख जाते हैं उनका पानी कहाँ चला जाता है चलिए अब देखते हैं पानी कहाँ चला जाता है वाटर फ्रॉम द क्लॉथ्स चेंजिंग इन टू वाटर वेपर कपड़ों का जो पानी होता है जब सूरज की किरणें पड़ती हैं कपड़ों पे, तो क्या होता है बेटा जो सूरज जो कपड़ों का पानी होता है वो क्या होता है वाटर इेपर हो जाता है वाटर वेपर हो जाता है वो एंड मिक्स विद द एयर और किस में जा कर के मिक्स हो जाता है हवा में जा कर मिक्स हो जाता है सिमिलरली वैसे ही जिस जै, तरीके से द हीट ऑफ द सन वॉर्म अप द वॉटर इन द पांड्स लेक्स एंड रिवर्स सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सूरज की जो आ, सूरज की जो वार्मनेस होती है जो सूरज की हीट होती है वो पॉन्स लेक्स रिवर्स के पानी को हीट अप करती है और इवप्रेट कर करके कहाँ ले जाती है क्लाउड्स में ले जाती है दिस वाटर टू चेंजेस इन टू वाटर वेपर जो आपका लेक स्पॉन्स रिवर्स का वाटर है ये भी कहाँ चेंज हो, कैसे चेंज हो जाता है ये भी सन के वार्म से चेंज होकर के वाटर वेपर में बदल जाता है एंड मिक्स विद द एयर और हवा में जाकर के मिक्स हो जाता है सो वी कैन से दैट इसलिए हम कह सकते हैं एयर कंटेन एयर में क्या है वॉटर वेपर और एयर ऑल्सो कंटेन इसके अलावा एयर में स्मोक होता है डस्ट होता है एंड जर्म्स भी होते हैं चलिए देखते हैं वाटर में स्मोक किस तरीके से होता है पहले हम पिक्चर्स देख लेते हैं देखो ये हाउस से स्मोक निकल रहा है ठीक है ये किस में जा कर के मिक्स होगा बेटा ये एयर में जाकर के मिक्स होगा यहाँ पे हमने कुछ आ, बर्न किया है ठीक है फायर अप हो रही है ठीक है तो इसमें से जो स्मोक निकल रहा है ये भी कहाँ जा कर के मिक्स हो रहा है एयर में जा कर के मिक्स हो रहा है। देखिए व्हीकल्स चलती हैं आपने देखा होगा जब आप मार्केट जाते हो तो रोड्स में बहुत सारी व्हीकल्स चलती हैं तो व्हीकल्स से भी बहुत सारा स्मोक बाहर आता है ब्लैक ब्लैक सा ठीक है वो स्मोक भी कहाँ जा करके मिक्स हो जाता है एयर में जा कर के मिक्स हो जाता है स्मोक मेक्स द एयर इम्प्योर स्मोक क्या बनाती है एयर को बहुत ही डर्टी बना देती है एम्प्योर बना देती है ठीक है स्मोक स्मोक मिक्स विद द एयर एंड मेक इट इम्प्योर जब स्मोक आता है बाहर और हवा में जा कर के जब वो मिक्स हो जाता है तो वो क्या करता है हवा को बहुत ही इम्प्योर बना देता है द जम्प्स फ्रॉम अ पर्सन कफ मिक्स विद द एयर आप देखो कोई पर्सन है हमारे पास हमारे सामने कोई पर्सन खड़ा है वो कफिंग कर रहा है स्नीजिंग कर रहा है तो उसके जो ज़म्प्स हैं वो भी निकल करके कहाँ हो जाते हैं एयर में जा करके के मिक्स हो जाते हैं सो वी शुड कवर अवर माउथ इसलिए हमें हमेशा अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए वेन वी कफ जब हम कफ करते हैं और स्नेज जब हम स्नेज करते हैं ठीक है क्योंकि अगर हम कफिंग करेंगे और स्नेजिंग करेंगे और हमने अपने मुँह को कवर नहीं किया है तो हमारे माउथ्स के भी जर्म्स एयर में जा कर के मिक्स हो जाते हैं सुनाओ नेक्स्ट इज ब्रेथ फ्रेश एयर हमें बहुत ही फ्रेश एयर को ब्रीथिंग करना चाहिए ब्रेथिंग के लिए हमें खुले मैदान पर जाना चाहिए ठीक है ब्रेथिंग इम्प्योर एयर इज़ नॉट गुड अगर हम गंदी हवा को इम्प्योर ब्रीथिंग करेंगे वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी दिस एयर कैन मेक अ सिक अगर हम इम्प्योर एयर को ब्रीथिंग करते हैं तो वो हमें क्या बना देते हैं सिक बना देते हैं बीमार कर देंगे वी मस्ट ब्रेथ इन अ क्लीन एंड फ्रेश एयर हमें हमेशा ब्रीथिंग क्लीन और फ्रेश एयर में करनी चाहिए अब देखो क्लीन और फ्रेश एयर कहाँ से मिलेगी हमें प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश हमें पता है कि प्लांट्स हवा को बहुत ही फ्रेश और क्लीन बनाते हैं वी शुड ग्रो ग्रीन प्लांट्स वेयर वी लीव हम जहाँ पर रहते हैं हमें अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो अप करना चाहिए वी शुड कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन टू लेट एंड फ्रेश एयर हमें अपने रूम्स के अपने होम के हर विंडोज़ और डोर्स को ओपन रखना चाहिए जिससे कि हमारे रूम्स में फ्रेश हवा आए वी शुड नॉट कवर अवर फेस वैन वी स्लिप जब हम सोते हैं तो कभी भी हमें अपने फेस को कवर करके नहीं सोना चाहिए अगर हम अपने फेस को कवर अप करके सोएंगे तो क्या होगा बेटा हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी इसलिए हमें हमेशा अपने आ, ब्लंकेट को आ, अपने ब्लंकेट से अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए वी शुड प्ले इन ओपन प्लेस हमें हमेशा खुली जगह पर खेलना चाहिए क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा खुली जगह पर खेलेंगे उतनी ज्यादा हम फ्रेश एयर कंज्यूम करेंगे नेक्स्ट इज मूविंग एयर अब मैंने आपको बताया था कि बच्चा क्या कर रहा था काइट फ्लाई कर रहा था तो वो काइट फ्लाई किसकी हेल्प से कर रहा था एयर की हेल्प से कर रहा था ठीक है डोंट यू लाइक टू स्टैंड आउट इन द ओपन वैन अ कूल ब्रेस इज ब्लोइंग ठीक है क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम किसी आ, ऐसी जगह पे जा कर के खड़े हो जाओ जहाँ पर बहुत ही अच्छी कूल ब्रिजिंग ब्लोइंग हो रही हो ठीक है मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रेस जो मूविंग एयर होती है हल्की जो जेंटली विंड जो मूव होती है वो क्या कहलाती है ब्रेस कहलाती है ठीक है When the air moves very fast, जब हवा बहुत तेज होती है it is a wind. वो क्या कहलाती है Wind कहलाती है ठीक है strong wind can blow. अवे थिंग्स लाइक क्लॉथ्स पेपर्स एंड लूज द सॉयल अगर बहुत तेज एक तो वेरी फास्ट है एयर जो चल रही है वो क्या है आपकी विंड है ठीक है जो जेंटली मूव कर रही है वो आपकी ब्रेस है और जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है जो कि आपकी क्लॉथ्स को ब्लो कर देती है आपके पेपर्स आपकी सॉयल जो मिट्टी होती है उसको भी लूज कर देती है दिस इज कॉल स्ट्रॉ उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कहते हैं ठीक है? द विंड कैन मूव थिंग्स विंड क्या करती है चीज़ों को भी अपने साथ मूव कर दे कर देती है वन द विंड ब्लो द लीव्स ऑफ द ट्रीज मूव अगर जब आपने देखा होगा जब विंड ब्लो करती है तो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी साथ में मूव करने लगती है द विंड ड्राइज क्लॉथ्स विंड क्या करती है कपड़ों को ड्राइज तो करती है ऑन द क्लॉथ लाइन द विंड also कैरीज सीड ऑफ प्लांट्स ऑफ न्यू प्लेसेस विंड क्या करती है अपने साथ बहुत सारे सीड्स को लेकर के आती है जहाँ से भी विंड आती है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आती है और नए नए प्लेसेस से नए नए प्लांट को up भी करती है बेटा वो ठीक है विंड आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स अपने आप ही ग्रोन up हो जाते हैं ठीक है उन्हें हम ग्रो नहीं करते हैं लेकिन वो खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं वो प्लांट्स किस तरीके से ग्रो होते हैं जब आपकी विंड आती है विंड चलती है तो विंड के साथ बहुत सारे सीड्स सॉइल ये सब चीज़ें उड़ कर के आती हैं और ये जहाँ पर विंड आकर के रुकती है वहीं पे नए नए प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं ठीक है दिस वे द न्यू प्लांट्स गेट मोर स्पेस टू ग्रो इस तरीके से नए प्लांट्स को क्या होता है मोर स्पेस मिल जाता है ग्रोनप होने के लिए द विंड मेक अ सेल बोट मूव ऑन वाटर विंड की हेल्प से जो सेल बोट होती है वो वॉटर में मूव भी करती है समटाइम द विंड ब्लो फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग कुछ टाइम विंड क्या होती है बहुत ही फास्ट और स्ट्रोंग होती है ठीक है फास्ट एंड स्ट्रोंग विंड कैन ऑल्सो कॉज अ स्ट्रोम ये किसका कारण भी बन सकती है स्ट्रोम का कारण भी बन सकती है स्ट्रोम कैन डैमेजेस हाउसेज क्रॉप्स ट्रीज एंड एनिमल्स स्ट्रॉम क्या होते हैं बेटा जब स्ट्रॉम चलती है बहुत फास्ट विंड चलती है उससे हमारे हाउसेज डैमेज हो जाते हैं ट्रीज डैमेज हो जाते हैं हमारे क्रॉप्स खराब हो जाती हैं ठीक है एनिमल्स को हार्मनेस होती है देखो ये पिक्चर है आपकी एक किसकी पिक्चर है ये स्ट्रॉम की यहाँ पर एक स्ट्रॉम आई है बहुत फास्ट विंड आई विंड चली है ठीक है फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड चली है इससे क्या करा है देखो आ, पेड़ों जो ट्रीज हैं ट्रीज़ की रूट्स को अपरूट कर दिया है हाउसेस को ब्रोकन कर दिए हैं ठीक है ठीके? तो जो स्ट्रांग और फास्ट विंड होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है जब ही भी ये फास्ट एंड स्ट्रांग विंड चलती है तो हमें अपने घरों से बाहर नहीं जाना चाहिए नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ weather क्लॉक ये वेदर क्लॉक का पिक्चर है अब हम देखते हैं इस वेदर क्लॉक के पिक्चर से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं ठीक है नाव इट इज़ अ fixed हाई अप ऑन अ बिल्डिंग ये कहाँ पर फिक्स किया जाता है किसी बिल्डिंग के बहुत ही ऊँचाई की जगह पर यह फिक्स किया जाता है ठीक है द बीक ऑफ द कॉक शो एज द डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लो जो आपकी बीक होती है कॉक की वो हमेशा हमें क्या बताती है डायरेक्शन बताती है विंड की कि विंड किस डायरेक्शन से आ रही है यू कैन ऑल्सो टेल विच वे द विंड इज ब्लोइंग बाई होल्डिंग अप द रिबन हम इसमें इसको देख करके ये भी बता सकते हैं कि विंड किस साइड से चल करके आ रही है इसके इसके रिबन को होल्ड कर कर हम बता सकते हैं कि विंड किस डायरेक्शन से आ रही है द डायरेक्शन इन विच द रिबन फ्ल्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड जहां पर इस uh, कॉकर रिबन फिल फिल्टर्ड होगा तो उसी डायरेक्शन से विंड ऑप की ब्लो हो रही है ठीक है तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ वेदर क्लॉक और ये वेदर क्लॉक हमें शोन करता है कि विंड किस डायरेक्शन से ब्लो हो रही है किस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है ठीक है और ये जो इसमें जो आपके ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के डायरेक्शन बनी है तो ये जो क्लॉक की बीक होती है ठीक है तो क्लॉक की बीक जहाँ जिस डायरेक्शन में होगी इट मीन्स डैट उसी डायरेक्शन में आपका विंड आपका फ्लो हो रहा है विंड वहीं से ब्लो हो रही है ठीक है कम टू अवर वर्कशीट अब हम अपनी वर्कशीट में आते हैं हे आई एम गिविंग यू स्टार्टेड अवर वर्कशीट फ्रॉम द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है सो नाउ वी स्टार्टेड टूडे अवर वर्कशीट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर टेन रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट दिस वर्कशीट विल नॉट बी सबमिटेड ये वर्कशीट आपकी जमा नहीं होगी प्लीज इग्नोर सबमिशन डेट वर्कशीट के नीचे दी गई सबमिशन डेट को आपको इग्नोर करना है ठीक है? क्वेश्चन नंबर या मैं कौन हूं? इसमें मैंने नंबर वन क्वेश्चन दिया है आई कम फ्रॉम फैक्ट्रीज मैं फैक्ट्री से आती हूं सोचो so, स्टूडेंट्स फैक्ट्री से क्या आता है बाहर फैक्ट्री से स्मोक बाहर आता है ठीक है सो आंसर है स्मोक नंबर क्वेश्चन नंबर टू इज़ यू कैन फील मी फील टू मी तुम मुझे फील कर सकते हो हम किसे फील कर, कर सकते हैं हम एयर को फील कर सकते हैं सो द आंसर इज एयर नंबर थ्री हु टेल्स अस डायरेक्शन ऑफ द विंड डायरेक्शन ऑफ द विंड हमें कौन टेल करता है इट्स अ वेदर क्लॉक जो मैंने अभी आपको बताया है पिक्चर में ठीक है नंबर फोर इट हेल्प अस टू कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश कौन हेल्प करता है हमारी एयर को क्लीन और फ्रेश करने के लिए इट्स अ प्लांट्स प्लांट्स हेल्प करते हैं हमारी एयर को क्लीन और फ्रेश बनाने के लिए ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन इज आंसर ऑफ दीज फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है हमें क्वेश्चन के आंसर्स राइट डाउन करने हैं हेयर आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर वन इज वाई डू वी नीड एयर हमें हवा की जरूरत क्यों पड़ती है वी नीड एयर टू लीव हमें लीव करने के लिए लीव रहने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है और और इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं वी नीड एयर टू ब्रेथ हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन नंबर टू वट डज एयर कंटेन एयर में क्या हो तो, क्या क्या कंटेन होता है तो अभी मैंने आपको बताया था एयर कंटेन वॉटर वेपर डस्ट स्मोक एंड जर्म्स वाटर वेपर तो वाटर से जब सही सन हीटअप करता है वाटर को तो वो वाटर वेपर हो जाता है ठीक है डस्ट आपकी जब आप स्वेप करते हो घर पर या रोड्स पे स्वीपर स्वेपिंग करते हैं उसमें डस्ट uh, जो उड़ता है वो भी एयर में मिक्स हो जाता है स्मोक जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं या फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक एयर में मिक्स हो जाता है तो वो भी एयर में कंटेन हो जाता है एंड जम्प्स जम्प्स के लिए जब हम स्नेस करते हैं जब हम कफ करते हैं तो हमारे माउथ uh, से जो भी जम्प्स बाहर आते हैं वो भी एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं सो दैट एयर कंटेन वाटर वेपर डस्ट स्मोक एंड जम्पस राइट क्वेश्चन नंबर थ्री एस राइट एंड थ्री यूजेज ऑफ विंड थ्री यूजेज ऑफ विंड क्या है बच्चा थ्री यूजेज ऑफ विंड आर विंड हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई हमने देखा था विंड क्या कर रही थी बर्ड को फ्लाई करने के लिए हेल्प कर रही थी सेकेंड इज विंड्स अ बोट टू सेल एंड वॉटर वॉटर में सेल करने के लिए बोट को विंड uh, हेल्प कर रही थी थर्ड इज विंड्स टू ड्राई क्लॉथ्स कपड़ों को सुखाने के लिए भी विंड हेल्प करती है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज वॉट इज अ ब्रिज ब्रिज क्या है ट इज अ ब्रिज अभी हमने पढ़ा है ब्रिज क्या है मूविंग एयर एसकॉल ब्रिज जो मूविंग चलने वाली जो हल्की चलने वाली हवा होती है जो कि बहुत ठंडी होती है और बहुत ही जेंटली ब्लो करती है दस स्कॉल ब्रिज Now students, I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care. Till the next video.